बजरंग बली की जय। तो फ्रेंड्स, आज दिन की शुरुआत हम बजरंग बली के नाम से ही करते हैं और आज दिन है शनिवार का। बजरंग बली का नाम लेते हैं और देख सकते हैं यहाँ पर हस्बैंड जी आ चुके हैं, साथ में मैं भी हूँ। बजरंग बली की पूजा अर्चना कर लेते हैं और यहाँ बगल में शनि भगवान जी का मंदिर भी है तो उनका भी ध्यान कर लेते हैं। जो भी भूल चूक हमसे हुई हो, जाने अनजाने, क्षमा याचना कर लेते हैं। और हर हफ्ते हम या बेबी दोनों जन साथ में आते हैं और बजरंग बली के परम भक्त तो न सही पर हाँ, दिल में उनकी आस्था लिए हम हर हफ्ते यहाँ आते ही आते हैं। तो आप सब भी बजरंग बली को प्रणाम कर लीजिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब? तो आज हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है, आज दिन है शनिवार का और ये बजरंग बली का प्रसाद है, आप सब भी खा लीजिए। और हमारे नाश्ते की ट्रे लग चुकी है, चाय और ब्रेड मेरी, अंशिका की और अंशिका के पापा की, आदित्य भी अभी आ रहा है तो उसकी चाय मैंने निकाल के रखी हुई है, बस गर्म करना बाकी है। और हर्ष भैया तो सो रहे हैं अभी। और ये ट्रे में लगा हुआ है ना, इसे लग रहा है बर्फी बना हुआ है ना, पर वो प्रिंटेड है, कितना अच्छा लग रहा है। तो आइए आप सभी चाय नाश्ता कर लीजिए, सुबह की मॉर्निंग टी। तो घड़ी बज रहे हैं 8 और जो मेरा छोटा मोटा काम था घर का, साफ सफाई का, वो सब हो चुका है। तो चलते हैं, अब नाश्ता करते हैं और तैयार करते हैं अपना लंच। तो चलिए आज बनाते हैं बैंगन का भाजा और देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। यहाँ तेल अच्छे से हीट हो गया है और एकदम पतले साइज में मैंने बैंगन काट लिया है, मतलब एक बैंगन से 4 भाग कर लिया है। और इसमें डाल देनी है हल्दी, बैंगन धुल के तभी मैंने काटा हुआ है। और इसमें मैंने हल्दी डाल दी, 2 चम्मच 1.5 चम्मच हल्दी होगी और स्वाद के हिसाब से नमक। और इन नमक और हल्दी में ही लपेट करके बैंगन को हमें फ्राई कर लेना है। फ्रेंड्स, ये इतनी अच्छी रेसिपी है और ये बंगाली डिश है, बंगाल में बहुत ज़्यादा खाई जाती है। और ये इतनी अच्छी रेसिपी लगी, मेरी एक बंगाली फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे सिखाया था और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब जो बच्चे बैंगन नहीं भी खाते सब्जी, उनको आप इस तरह से दे सकते हो बना के, ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आप चाहो तो इसमें कुछ मसाले भी ऐड कर सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो, लेकिन मुझे तो बस हल्दी और नमक का टेस्ट ही अच्छा लगता है। मिर्च भी आप डाल सकते हो। तो यहाँ देखिए गरम तेल में एकदम अलट पलट के आपको बैंगन को अच्छे से फ्राई कर लेना है और एकदम धीमी धीमी आंच में। फ्रेंड्स, ये सब्जी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब दाल चावल के साथ आप खा सकते हो, रोटी के साथ भी खा सकते हो, मतलब आप इसको अलट पलट के दोनों तरफ से क्रंची हो तक सेक लीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा, सब्जी जलनी नहीं चाहिए। मैं थोड़ी सी जल गई थी क्योंकि मैंने दूसरा भी काम ना स्टार्ट कर दिया था, मतलब बहुत हल्की सी जली हुई थी, कोई से खराबी नहीं आई थी, पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए बैगन मैंने डाल दिए हैं और बैगन को दोनों तरफ से अलट पलट कर सेक लेना है। आइए आप भी खा लीजिए, बैगन का भाजा, बैगन की सब्जी, चोखा और गोलन का चोखा, या मैंने रेसिपी कई बार मॉम ने शेयर की है तो उसका भी है। खिचड़ी, क्योंकि शनिवार है आज, खिचड़ी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आइए आप भी खा लीजिए। सो गाइज, ये देखिए भाजा कितना ज़्यादा क्रंची और कितना टेस्टी होता है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट, कितना ज़्यादा अच्छा लगता है ये। और ये हमारा गोलन का जो भी चोखा वोखा होता है वो है, बहुत बेस्ट होता है ये, हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और बैंगन तो अच्छा ही है और रोटियां तो है ही है। खिचड़ी जम बहुत मेरे फेवरेट है खिचड़ी, क्योंकि बहुत सिंपल होता है खिचड़ी और खाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्दी एंड टेस्टी होता है। तो मैं अपने शॉप पर हूँ और मैं दिखा रही हूँ अपने शॉप को आपको, ये इतना अधिक मैं यहाँ मन लग चुका है, इतना अच्छा लगने लगा है मुझे यहाँ पर कि टाइम कब भी जाता है पता भी चलता है, क्योंकि अब काम भी समझ में आ चुका है मुझे, जिस काम की मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी वो काम मुझे अच्छा लगने लगा है अब। और ये देखिए ये भैया हमारे बैठे हैं बगल में और ये काफ़ी अच्छे हैं, ज्वेलरी को मतलब निकाल रहे हैं कस्टमर का। और यहाँ सभी लोग बैठी हुई हैं और टाइम पास कैसे हो, मोबाइल से टाइम पास होता है हम सब का, तो बस इधर उधर बैठ के टाइम पास हम लोग करते रहते हैं। कोई वाला क्या ब्राउन वाला?
तो शॉप क्लोज होने के बाद हम निकल गए और यहाँ से हम ले रहे हैं कुछ राशन। राशन मीन्स चावल का आटा, चने का आटा, दलिया, मतलब ये सब चीज़ें। और ये दुकान मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा सामान मिल जाता है, मतलब एकदम सही चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। और सामान लेने के बाद हम लोग निकल जाते हैं और मैं जिस जगह पे हूँ उस जगह का नाम है चौखंबा, बनारस की लोकल मार्केट, और काफ़ी अच्छी मार्केट है फ्रेंड्स ये। मतलब यहाँ पे आपको खाने पीने की सारी वैरायटी एकदम अच्छी मिल जाएंगी जो आपको पूरे बनारस में कहीं और नहीं मिलेंगी। कहते खाने पीने का जो भी आनंद आपको इस जगह मिल जाएगा वो आपको पूरे बनारस में कहीं भी ढूंढते रह जाओगे तो नहीं मिलेगा। बनारस की शान है ये जगह। तो खाने पीने की जितनी वैरायटी आपको यहाँ मिल जाएगी वो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। और जब मैं रास्ता तय कर रही थी तो मुझे कचौड़ियों की महक, वाओ, हींग वाले कचौड़ियाँ मुँह में बस पानी आ गया, इतनी ज़्यादा अच्छी लगती हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आधी रात को भी मिल जाएंगी, मतलब खाने पीने का पूरा आनंद आपको यहाँ चौखंबा भीतरी महल कहते हैं हम इसे, यहाँ आपको मिल जाएगा। देखिए हमारा बनारस कितना ज़्यादा सुंदर बन चुका है, मतलब एकदम बंद बंद गलियों में भी कितनी प्यारी प्यारी पेंटिंग्स बनाई गई है जो कि मन को इतनी लुभाती है। और कितना अच्छा लगता है कि मैं आपको क्या बताऊँ, निगाह ही नहीं हटती। मैं जब भी इधर आती हूँ तो मैं ज़रूर कैप्चर कर लेती हूँ कि आपको भी दिखा सकूँ कि यहाँ अब कितना अच्छा हो चुका है, कितनी ज़्यादा अच्छी लगती है ये शहर अब हमारी। कुछ दूर आगे बढ़े ही थे, रास्ता हमारा आधा भी तय नहीं हुआ था, हस्बैंड जी का फ़ोन आ गया किसी कस्टमर का, कुछ काम था इनको। तो मैंने कहा कि मुझे इस मंदिर के अंदर जाना है दर्शन करने भगवान के, तो उन्होंने कहा जाओ। और मैं अभी जहाँ हूँ वो स्वामी नारायण मंदिर है और काफ़ी अच्छा मंदिर है ये। मतलब साउथ की ज़्यादातर लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं और यहाँ पर स्टे भी करते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा मंदिर है, पर मंदिर वो बंद हो चुका है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, अब के 10 बज रहे हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और मंदिर क्लोज़ हो चुका है। तो फ्रेंड्स मैं मंदिर में पहुंची और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ गुजराती समाज का गरबा खेला जा रहा है और रात के 10 बजे हैं और इतनी ज़्यादा अच्छी यहाँ पर गरबा, क्या महिलाएँ क्या पुरुष, सभी लोग यहाँ पर पूरा लुत्फ़ उठा रहे थे गरबे का। इतना हंसी मजाक हो रहा था, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मैं आपसे क्या बताऊं। और मुझे डांस देखना बहुत अधिक पसंद है, डांस देखना भी डांस करना भी, पर डांस मुझे आता नहीं है पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। 4 दिन की ज़िंदगी है यहाँ पे, हंस लो बोल लो और क्या रखा है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हंसी मजाक चल रहा था लेडीज़ का, उसके बाद सभी गुजराती लोग ही यहाँ बैठे हुए हैं, पूरा गुजराती समाज है यहाँ पे। और मैं आपको जो दिखा रही हूँ अब यहाँ पर तैयारी हो रही है, पहले कौन उठेगा पहले कौन उठेगा, मतलब गुजराती लोग का डांस शुरू होने जा रहा है गुजराती बहनों का। तो यहाँ देखिए डांस स्टार्ट हो गया है और गरबा तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अपने ट्रेडिशन को फॉलो रखना ये तो हमारा परम कर्तव्य है, कह सकते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने ट्रेडिशन को फॉलो करें और उनको बीच बीच में अपने न्यू जनरेशन को दिखाते रहें। तो यहाँ देखिए यहाँ भी लेडीज़ डांस कर रही हैं, फिर लेकिन जेंट्स भी नहीं रहा गया, उन्होंने भी डांस करना शुरू कर दिया। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, और यहाँ आकर आने का मन किसका किसका कर रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पर डांस हो रहा था, मेरा ये पैर थिरकना शुरू हो गया, मतलब मेरा मन किया मैं भी डांस करना शुरू कर दूँ, पर ये पॉसिबल तो नहीं है ना, ये तो गुजराती लोग का है, अगर मैं बोलती तो मना थोड़ी करते हैं वो लोग, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना किसी की भी मतलब पार्टी में घुस जाओ और ऐसे डांस करो। तो यहाँ मैंने बाहर से रिकॉर्डिंग कर ली, पर फ्रेंड्स मुझे बहुत अच्छा लगा, इन लोग का इतनी एजड महिलाएँ हैं और इनका आप बस
जोश देखिए, जोश कितना अच्छा है इन लोगों, कितनी रात की रात हो चुकी है पर यहाँ पूरा आनंद लिया जा रहा है, पूरे मज़े लिए जा रहे हैं। और मेरा तो वहाँ से आने का मन ही नहीं कर रहा था, हस्बैंड जी मुझे खींच के ले आए, नहीं चलो घर चलना है, बच्चे अकेले होंगे। तो फिलहाल आप डांस देखिए, कोई कंपटीशन नहीं है यहाँ पे कि कौन कितना अच्छा कर सकता है, फुल एंजॉय हुआ यहाँ पे। और मैं आपको वादा करती हूँ, मैं आपको ये इस मंदिर के अंदर ज़रूर ले जाऊँगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये मंदिर है। आप फिलहाल बाहर आज देख लीजिए, कभी मौका मिला मैं आपको अंदर ज़रूर ज़रूर ले जाऊँगी, क्योंकि मुझे भी इस मंदिर को अंदर से देखना बहुत अच्छा लगता है। आज 10 बज रहे हैं, हम लोग घर जा रहे हैं, देर हो चुकी है, अभी हम लोग घर जा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।